सलमान खान बतौर एक्टर भले बहुत कामयाब माने जाते हों, लेकिन प्यार के मामले में टोटल फेल साबित हुए। खुद सलमान खान एक्सेप्ट करते हैं कि उनके जितने भी अफेयर टूटे हैं वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस उनकी गलती थी। हालांकि सलमान खान के जितने अफेयर अभी तक खत्म हुए हैं सब में कहीं न कहीं लीगल ब्रूटालिटी मारपीट की बातें सामने आई हैं। खास तौर से सोमी अली की बात करें या फिर ऐश्वर्या बच्चन की, लेकिन सलमान खान के साथ एक एक्ट्रेस ऐसी थी जिनके साथ जब भी बॉन्डिंग रही बहुत स्वीट रही, न कोई कंट्रोवर्सी, न कोई मारपीट, न कोई झगड़ा, यहाँ तक ब्रेकअप भी हुआ था किसी को पता नहीं चला। इनका नाम है कैटरीना कैफ। सलमान खान कैट की जोड़ी सबको पसंद आती है और उम्मीद की जा रही थी सलमान खान आखिर में कैट के साथ अपना घर बसा लेंगे, लेकिन सलमान खान की किस्मत में अकेलापन लिखा है, इसलिए कैटरीना कैफ भी विकी कौशल से मैरिज करके सेटल हो चुकी हैं। अब चूंकि कैट ऑलरेडी मैरिड हो चुकी हैं विकी कौशल के साथ, तब तो सलमान खान के साथ काम करना उनका कहीं ना कहीं ऑकवर्ड फील देगा, इसलिए कहा जा रहा है सलमान खान कैटरीना कैफ की आखिरी मूवी हो सकती है टाइगर 3। इसके बाद उनका रोल आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा और जोया के किरदार को जबरदस्ती मार दिया जाएगा, जैसा कि बालाजी के टीवी शो अपेरा में होता है। हालांकि यहाँ पर वजह पूरी लॉजिकल है, विकी कौशल बिल्कुल नहीं चाहेंगे सलमान खान के साथ वो बार बार काम करें, बिकॉज मीडिया में गॉसिप बाजी का दौर चलता रहता है और किसी की फैमिली स्पॉइल हो सकती है। हालांकि इसराज ने इसे सेटबैक न लेते हुए इस पूरी ट्रेजेडी को बनाने के लिए बहुत तगड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है मार्केटिंग का। उन्होंने जोया किरदार को मारने के पीछे एक फ्रेंचाइजी तैयार कर रखी है जिसका नाम होने वाला टाइगर वर्सेस पठान। कहा जा रहा है टाइगर 3 के क्लाइमेक्स में जोया किरदार को मारा जाएगा और जो किरदार जोया का किल होगा वहां पर सलमान खान इन टाइगर 3 को गलत फहमी हो जाएगी कि ये जो किलिंग हुई है वो पठान के चक्कर में हुई है, यानी एसआरके किरदार की गलती की वजह से जोया का मर्डर हुआ है। यही बात पठान और टाइगर के बीच में एक लंबी जंग का रास्ता खोल देती है। यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा बैटमैन सुपरमैन की जो वर्सेस जस्टिस लीग आई थी वो वाली फीलिंग आ जाएगी। बरहाल हॉलीवुड की तुम कॉपी करते रहते हैं, यहाँ कुछ नया नहीं है, लेकिन ट्विस्ट बहुत अच्छा है। रियल लाइफ को रियल लाइफ से जोड़ा गया। यशराज हमेशा से मार्केटिंग के स्ट्रेटजिकल प्लान करता रहा है। यहाँ पर जोया के ब्रेकअप को सलमान खान के साथ एक फ्रेंचाइजी के तौर पर एस्टेब्लिश किया जाएगा। जैसी मूवी के एंड में जोया किलिंग होगी वहीं पर टाइगर वर्सेस पठान का नया चैप्टर लॉन्च हो जाएगा, यानी कॉप यूनिवर्स की तरह स्पाई यूनिवर्स के भी पार्ट मूवी के एंड में अनाउंस किए जाते रहेंगे, जैसा कि हॉलीवुड के मार्वल्स में डीसी में होता है। बड़ा सलमान खान का जो बिछोह है कैटरीना कैफ के साथ वो पब्लिक को फैन को निराश कर सकता है, लेकिन इसी बहाने पब्लिक को करण अर्जुन की जोड़ी का फेस ऑफ करते हुए मिल जाएगा जो कि बहुत साल से लोगों ने देखा नहीं है। आखिरी बार दोनों का झगड़ा हम तुम्हारे सनम में हुआ था, इससे पहले करण अर्जुन में, और एक रियल पार्टी में दोनों हाथापाई कर चुके हैं। लेकिन बड़े एक्शन मैनिया में करण अर्जुन का झगड़ा देखने में मजा आएगा जब टाइगर वर्सेस पठान बनेगा, भले ही लोगों को जोया को अलविदा कहना पड़े। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।